लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में नामांकन आज। नामांकन में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा एनडीए के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री वाराणसी पहुंचे। ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले आईएएस मोहम्मद मोहसिन के निलंबन पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें खत्म। कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को उम्मीदवार बनाया। गोरखपुर से मधुसूदन तिवारी चुनाव मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी को छोड़ किसी का भी समर्थन करेंगे। 2019 का चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में आज सुनवाई। जेल से वीडियो लिंक के जरिए नीरव मोदी की पेशी होगी। श्रीलंका में धमाकों के बाद रक्षा सचिव हिमासिरी फर्नांडो का इस्तीफा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, आतंकी फिर हमले शुरू कर सकते हैं। बीजिंग में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकेर और सौरव चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने ईडन गार्डन्स पर 11 साल बाद जीत दर्ज की। कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया।